कोशिश करेंगे, ठीक है? लव लाइफ, एंजॉय लाइफ, चिल लाइफ। जी यहाँ पे अभी हम भाई दो बैठे हैं, फोटो सब क्लिक कर रहे थे लेकिन पानी इतना ज्यादा ठंडा है ना, उसको क्या करना है फिर से। ये दे। अब देखिए सो यहाँ कहाँ से निकल रही है। तो जी गाइस अभी हमारा चिकन जो है फ्राई हो रहा है, जो कि हमारे नईम साहब और उनके दूसरे बरादर फ्राई कर रहे हैं, जो कि मैरिनेट भी उन्होंने यहीं पे किया था, वो भी जल्दी कोई किरने मैरिनेट किया। और यहाँ पे हमारे वैसा आप क्या कहना चाहते हो आप? जी हम बस वेट कर रहे हैं मैरिनेटेड चिकन का, जी कब कुक होगा और कब हम खाएंगे। ठीक बस जी। तो जी हमारा जो है लाइट का सेटअप है ये पूरा हो गया है, हमने यहाँ पे भी एक बत्ती लगा ली है और यहाँ पे भी एक बत्ती लगा दी है ताकि मच्छर वच्छर अभी ना घुसे, इसलिए हम नहीं वो डाल रहे हैं। बाकी ये हमारे दो टेंट और यहाँ पे हमारा बत्ती का सेटअप, बाकी जो है फ्राई वाई कर रहे हैं। तो जी यहाँ पे नईम बना रहे हैं चिकन के लिए कुछ सब्जियाँ, जो कि इसमें डालेंगे कुछ टमाटर, कुछ शिमला, कुछ मिर्चियाँ जो कि डालनी है इसमें, और खाना भी पकने जा रहा है। और यहाँ पे नईम और उसके दूसरे बरादर इसके लिए सब्जियाँ बना रहे हैं, ये देखिए चॉप कर रहे हैं मिस्टर नईम साहब विद सम चॉपिंग बोर्ड, नाइस। खाली वहाँ से ना चेन बंद कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ से ना रात को फिर ये हो जाएंगे। तो जी ये बेजुबान फैसला है भैया, है सही है। पानी डाल, पानी डाल, दिन 10 साल खाना पड़ता है भैया। रगड़ के दो, रगड़ के एटलीस्ट 4 वॉश आराम। लाइट की वजह से यहाँ पे इतने सारे कीड़े आ रहे हैं ना, वो भी बड़े बड़े, मेरे घर में 0.5 के होंगे, यहाँ पे 1.5, ऐसा ही है 2.5 के। Yes, bro. तो जी यहाँ पे नईम ने आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत अंदाज में जो इसकी वेजीज थी, जो इसकी सब्जी थी, वो तैयार की है। और यहाँ पे इनका चिकन बस एकदम काला लग रहा है आपको, क्योंकि इसके नीचे जो है वो मैरिनेटर जो ने इससे पहले चिकन तैयार किया था, इस वजह से इसका जो नीचे वाला सतह है वो काली पड़ गई है, तो ऐसा मसला है। तो जी ये वैसा आपने यहाँ पे एकदम जिसे हम वाजा कहते हैं, शेफ कहते हैं, उनकी तरह ये लगा लिया, तो इस वजह से ये बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जल रहा है। और यहाँ से हम दूसरा भी लगा सकते हैं, तो गैस की कोई नहीं, इसे हैंड से। तो जी यहाँ पे दोनों ये चीज़ें लग चुकी हैं, हाँ सही बात है, सही। बस आगे ना वहाँ नीचे साइड से मुझे लगता है या तो गंगबल साइड से या तो उससे नीचे साइड से ना बारिश पड़ रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजलियाँ खड़क रही हैं नीचे से। अभी यहाँ तो नहीं आया लेकिन वो नीचे साइड से, आपको तो इसमें दिखेगा नहीं, ये देखिए, देखा सही मौके पर हमने कैमरा टिल्ट किया, तो वहाँ से बिजलियाँ बहुत ज़्यादा खड़क रही हैं, बस यहाँ ना आ जाए क्योंकि मसला हो जाएगा। तो जी यहाँ पे आग में बेहाल हो गए हम, क्योंकि ये जो ये हमने रखा था ये गिर गया, इस पर जो ये तेल है ये गिर गया, आपको तो पता है जब तेल आग पर गिरता है तो कितनी ज़्यादा वो आग फेंकता है वहाँ से वापस। इसको क्या करना है फिर से, ये देखें आप देखिए सो आग कहाँ से निकल रही है। तो जी आप देख सकते हैं आग कितनी रफ्तार में अभी जा रही है, लेकिन एकदम परफेक्ट वो चूल्हा बन गया हमारे लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि ये पूरा ख़राब हो गया, वो जो यहाँ पे हमने वो वाला रखा था वो टूट गया, उसके बाद ही गिर गया सब कुछ, हमने बोला बस ख़त्म, लेकिन फिर से हमने ये जोड़ा फिर से। लेकिन अब मुझे लगता है इससे पहले वाला यही अच्छा है ना, ये बहुत अच्छे से बैठा। ट्री भी सेफ, हमने बाहर निकाला थोड़ा और, हमने सोचा क्योंकि ट्री भी नहीं ख़त्म कर देते हम,
इसलिए हमने थोड़ा बाहर निकाला और ये अच्छी तरीके से अभी बैठ गया। तो जी रात के बज रहे हैं 10:30, तो इस वक्त फाइनली यहाँ पे कुछ तवा चिकन हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमारी आज पुलाव रेडी हो चुका है, बासमत बेसिकली है। यहाँ पे हमारा सैलड रहा है जी, यहाँ पे हमारा दही रहा है जी, यहाँ पे हमारे फैजुल्ला, यहाँ पे हमारे मोहसिन साहब और बाकी सारे अफराद यार हैं। तो ज़बरदस्त तवा चिकन, बाहर आप बैकग्राउंड से आवाज़ें सुन रहे होंगे इस वक्त पहाड़ों में। हम इस वक्त क्रेडिट भी दे दो जिसने बनाया है जी तवा चिकन का, जो क्रेडिट जाता है वो श्रेष्ठ यहाँ पे जाता है हमारे नईम साहब को और हमारे फरहान साहब को, ठीक है जी। और चावल का यहाँ पे जो क्रेडिट जाता है वो जाता है हमारे फैजुल्ला साहब को, ठीक है जी। और किसी को कुछ क्रेडिट जाना है यहाँ पे? सैलेड रहा, सैलेड का क्रेडिट आप अदनान को दे सकते हैं। इसको मैं चले, और कुछ क्रेडिट चाहिए किसी को? जबरदस्त गार्निश की गई है ना जी, हाँ ये अदनान ही कर सकता है। ये गार्निश की गई है बहुत अच्छे अंदाज में, हालांकि पहाड़ों में ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन इन्होंने यहाँ भी इसे खूबसूरत जी हर एक को एंजॉय करने लेते हैं। फैजुल्ला आप पहली बाइट लेना चाहेंगे? लेकिन तवा चिकन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, काफी ज्यादा ना वो टेंडरनेस इसमें है जी। सैलेड रहा हमारा, हाँ चावल में मतलब नमी बहुत ज्यादा है इसमें, ये नमी कैसे आती है हमें वो बता दे आप। फैजुल्ला साहब चावल में जो नमी आपने लाया, जो अपने मॉइस्चर लाया है, लास्ट पे आपने बोला पानी हाँ। मत डालो, पानी मत डालो, अच्छा मैंने थोड़ा चले जी उसमें वो तहलका है, वो क्या कहता है अल्लाह अल्लाह तहलका चिकन बनाऊंगा। चले जी सब लोगों को चिकन सर्व कर देते हैं, उसके बाद टेस्ट की बारी आएगी तो टेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन पहाड़ों में ये सब चीजें खाने का ना वो एक अलग ही मजा है। ये भी सर्व कर देना नईम साहब, फैजुल्ला साहब कैसा टेस्ट है? एक बाइट आप बाइट बनाने, ये सैलेड भी आप ऐड कर दे, वो पूरी एक बाइट बनी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल इसमें थोड़ा चिकन जाएगा, थोड़ा चावल जाएगा, बस यहाँ पे ना ये थोड़ा बहुत हाँ टेस्ट करना चाहता हूँ। सबको बराबर देना है यार, अब मेरे को जिम्मेवारी है सर्व करने की, वो सब आप ग्रेवी लीजिए। ग्रेवी और थोड़ा पीस अगर हो जाता तो बढ़िया रह जाता है, जरूर है। चले क्योंकि हमने एक ही चिकन अभी तैयार किया, जो दूसरा चिकन है वो कल के लिए हमने तैयार किया, इंशाल्लाह इसमें बरकत ही होगी। हम भी यहाँ पे अपनी अपनी पहली बाइट लेना चाहूंगा और आपको एकदम किसी को पता सच्चा वाला रिव्यू देना चाहूंगा। चलो जी हर एक को एंजॉय करने देते हैं, हम भी खाने को एंजॉय करते हैं और देखते हैं इसके बाद अगर कुछ प्लान बना चाय शाय का तो वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। फिलहाल खाना जो है वो हम एंजॉय कर लेते हैं। ये जो गैस है इससे हमें सारा गैस निकालना पड़ रहा है, क्योंकि कल हमने सुबह लाया था अपने साथ, ऊपर चढ़ाते वक्त बहुत ज़्यादा मुशक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि ये लगभग फुल था, लेकिन यहाँ पे पहुँच के पता चला कि चल ही नहीं रहा है, तो अब इससे गैस बाहर निकल रहा है क्योंकि हम वापस जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे हमने जो कैंप पीछे से लगाया था, दो कैंप थे, वो हमने हटा लिया, जो भी हमने खाना वाना प्रिपेयर किया वो रात भर सब कुछ हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया, और सुबह की चाय भी हमने उसी से प्रिपेयर की जो आग वहाँ पे जल रही थी, अभी तक वहाँ पे हमने आग बुझा दी, और ये जो गैस है वो हम खाली कर रहे हैं क्योंकि नीचे जाते वक्त काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, तो फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत अच्छी लोकेशन थी ये देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त लोकेशन थी। अभी हमने सोचा था कि ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है तो नीचे ही जाएंगे। नीचे काफ़ी एक अच्छे एक दो स्पॉट हमने देखे थे आते वक्त, लेकिन हमने सोचा कि हमें जो बेस्ट स्पॉट है वो ऊपर ही मिलेगा, लेकिन अच्छे स्पॉट नीचे ही है। जैसे कि एक स्पॉट था यहाँ पे कोई भी नहीं था, ऊपर स्पॉट्स है लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो हम कोशिश करेंगे आगे जाने की, जहाँ पे बेस्ट स्पॉट मिलेगा हम वहाँ पे कैंप फिर से लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा एरिया अपोजिट में ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे अलो नहीं करते। वहाँ पे ऊपर जाते वक्त ना जो ब्रिज आगे जाता है उस ब्रिज पे ताला लगाया हुआ, तो
वहाँ पे ना वो बहुत खूबसूरत लोकेशन है, लेकिन वहाँ पे अलाउ करते नहीं है। कुछ लोग वहाँ पे जाते हैं लेकिन वो प्राइवेट प्रेमिसेस है। तो देखते हैं कौन सी बेस्ट लोकेशन मिलती है। यहाँ पे पैकअप हो गया, बैग शैग हमने पैक कर लिया है, तो देखते जो बेस्ट लोकेशन मिलती है वहाँ पे कैंप करेंगे। अगर मौका मिलता है खाना भी हम वहीं पे खा लेंगे। चले जी, वैसे गुड मॉर्निंग हो गया यहीं पे सुबह सुबह। तो जी फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से। तो जो बेस्ट लोकेशन मिलेगी, जो बस स्पॉट मिलेगा जैसा कि मैंने आपको बोला, वहाँ पर बैठने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जी यहाँ पर हमने थोड़ा एक स्टॉप लिया है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे हम बैठेंगे या नहीं। ये पहला स्पॉट है जहाँ पर हमने सोचा था कि हम बैठेंगे। सोचा था कि यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन मसला ये है कि अब धूप आएगी ऊपर से तो वो मसला करेगी यहाँ पे। लेकिन स्पॉट बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम वो बीच की वाइब दे रहा है यहाँ पे। लेकिन पता नहीं इसकी डेप्थ अंदर कितनी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे नहा भी सकते हैं नहीं भी नहा सकते, डिपेंड करता है आप। अब देखते हैं, ये पहला स्पॉट है, अब देखते हैं अगर आगे कोई और स्पॉट मिला तो हम वहाँ पे कोशिश करेंगे। ज़बरदस्त। तो जी फाइनली हमने अपना स्पॉट जो है वो पकड़ लिया है। उसके नीचे आने के बाद हम यहाँ पे अपना 3 पर्सन वाला टेंट लगा दिया और वहाँ पे अभी हम स्विमिंग कर रहे हैं। ये चेक करें गाइस, यहाँ पे हम आग जलाएंगे, खाना यहाँ पे पकाएंगे। ये देखिए चक्कर चक्कर दोनों भाई टहल रहे हैं, टहल गांव में। तो जी यहाँ पे अभी हम भाई दो बैठे हैं, फोटो सब क्लिक कर रहे थे, लेकिन पानी इतना ज्यादा था ना, मौसम थोड़ा, क्योंकि मौसम अभी बारिश का मूड, अभी बारिश बारिश का मूड है, मूडी मौसम बन चुका है, लेकिन पानी इतना ठंडा है ना, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा होने लगा है। वहाँ पे अभी वो आग जला रहे हैं, वो टेंट शिफ्ट हमने वहाँ पे दे दिया है, अभी खाना तैयार करते हैं और भी हम खाना लंच करते हैं। ओके तो बस की मैं कुछ पिक्चर लेता हूँ, ठीक है बस। तो जी अभी हम अपना लकड़ा जमा कर रहे हैं आग के लिए, बस इतना काफ़ी होगा ये, और दूसरा हमने वहाँ पे रख दिया, इतना काफ़ी है हमारे लिए। Let it be enough. तो जी यहाँ पे कुछ हमारा हिस्सा रहा, लेमन चिकन यहाँ पे कल बनाया गया था, मैरिनेट कल शाम को किया गया था, मतलब ये लास्ट है, इसके बाद हमारा जो भी खाना है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं और लोकेशन हमने ये वाली सिलेक्ट की थी, हर कोई एंजॉय कर रहा है, सिर्फ खाते वक्त ये लोग चुप करेंगे बस, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमने वो सैलेड टाइप बनाया है, चटनी टाइप ऐसा कुछ बनाया जो हम इसके साथ खा रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको इन्जॉय करते हैं, लेमन टाइप चिकन है, इन्जॉय करके देखते हैं क्या होता है। घंटे दो घंटे यहाँ पर स्टे करेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। ठीक है जी, चलें बाय। ओके, इस जगह की लास्ट मील आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो जी हम बैठे हैं अभी, चार दोस्त गपशप मार रहे हैं शेख फैजुल्ला के साथ। He's telling some fantasy of his life. He's very funny guy, फाइनली लोकेशन को बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है, वहाँ से हम निकल गए थे। अभी ट्रैफिक जाम थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि संडे है, तो संडे को आपको बताइए डेस्टिनेशन यहाँ पे जो है टूरिस्ट वाली है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। फिर आप व्यू चेक करें, जो कि मैंने आपको दिखा दिया था आते वक्त भी, लेकिन ब्यूटी 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 आप चेक करें। अगर हम रॉयल गांधरबल में रुकते हैं
तो वहाँ पे देखते हैं अगर डीप ब्रेक या क्योंकि हमने कुछ खास खाया नहीं, अगर मौका मिला तो कुछ खाएंगे भी शायद शायद ठीक है जी चले मिलते हैं। الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن